नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखाता है मेरा आज का भी 1918 कमिंग्स BS4 ट्रक चेसिस है। एक गाड़ी न्यू गाड़ी, ज़्यादा दिन चला नहीं है, अभी ब्रेक डाउन हो गया। लोड गाड़ी रास्ता में ही खड़ा है, गाड़ी ओवरलोड है, इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया। तो सबसे पहले हम आके गाड़ी को चाबी लगाया, पुश चाबी, और पुश चाबी लगा के जब गाड़ी को हम सेल मार रहा तो देखा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। देखिए इसमें मीटर मोड में लाइट तो सब जल रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा सेल वाले से। सबसे पहले हम फ्यूल टैंक का डीजल चेक किया, जो डीजल कम है कि नहीं, देखा डीजल ठीक है। उसके बाद इंजन का बर्नर उठाया और सेल मार के इंजेक्टर से हम हवा छुड़ाया नोजल काट काट के। उसके बाद फिर से स्टार्ट किया तो देखा गाड़ी तो भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसका बाद हम फ्यूज बॉक्स खोला है और फ्यूज बॉक्स खोल के इसका फ्यूज टोटल चेक कर रहा। फ्यूज बॉक्स का ऊपर में जो कवर है, फ्यूज कवर, उसमें सब फ्यूज कवर में लिखा रहता है कौन सा फ्यूज कितना एम्पियर का कहाँ कहाँ लगता है, वो दिया रहता है। तो हम भी उसी स्टार्टिंग फ्यूज सब कुछ हम एक के बाद एक चेक कर रहा। मेरे पास मल्टीमीटर है और टेस्टिंग लैम्प भी है। देखिए मेरा फ्यूज तो ठीक है, अभी फ्यूज जो हम खोल के चेक कर रहे स्टार्टिंग में फ्यूज ठीक है, लेकिन फ्यूज में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। तो अभी टेस्टिंग लैम्प से हम चेक कर रहा, देखिए फ्यूज में एक तरफ लाइन है और एक तरफ लाइन नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा दोस्तों, इसमें कोई जगह वोल्टेज ड्रॉप कर रहा। गाड़ी का फोन पोजिशन सामने आके देखिए, जाली उठाया, ठीक रेगुलेटर का पास में एक मेन फ्यूज रहता है उसको हम खोला है, उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से वो भी फ्यूज हम चेक कर लेगा जब फ्यूज ख़राब है कि नहीं, अगर ख़राब रहेगा तो फ्यूज हम चेंज कर देगा दोस्तों। इसमें भी देखिए फ्यूज मेरा ठीक दिखाई दे रहा, फ्यूज ठीक है, ये फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्यूज को फिर से हम जैसे था वैसे ही लगा दे रहा। लगाने के बाद फिर से और एक बार हम गाड़ी को सेल मार के गाड़ी देखेगा जो मेरा गाड़ी स्टार्ट हो रहा कि नहीं। तो हम देखिए फिर से पुश चाबी दिया हुआ, देखिए फिर गाड़ी को हम सेल मार रहा तो मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब प्रॉब्लम मेरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम कोई जगह है दोस्तों। कमिंग्स BS4 गाड़ी में डबल बैटरी लगता है और बैटरी से दो तार, लाल रंग का दो तार है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तार नीचे आता बैटरी से आके इशू का अंदर में जाता है तार। उसमें दोस्तों तीन फ्यूज लगता है, तीन फ्यूज का अलग अलग से काम है, तीनों अलग तरीके से काम करता है। 25 एम्पियर का हरा रंग का तीन फ्यूज है, देखिए जो फ्यूज है हम खोल रहा, ठीक गियर बॉक्स का पास में ही नीचे तरफ रहता है, चाका का फ्रंट पोजिशन का जो व्हील है उसका पास में ही, उसको हम एक के बाद एक खोल के चेक कर रहे हैं, अगर उसमें भी प्रॉब्लम रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो उसको हम चेक किया, उसके बाद इंजन साइड का भी वायरिंग को हम टोटल चेक कर लिया। करने का बाद फिर से और एक बार मल्टीमीटर देके मेरा जो फ्यूज बॉक्स है उसमें फ्यूज में लाइन आया कि नहीं वो भी हम चेक कर रहा, और एक के बाद एक हम चेक करने के बाद में पता चल जाएगा जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, काहे के लिए इसमें फ्यूज रिले वायरिंग एक के बाद एक चेक करना पड़ जाता है, और इसको सब कुछ चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी फिर से फ्यूज को चेक कर रहा, देखिए अभी मल्टीमीटर से ही चेक हो रहा, इंजन स्टार्टिंग जो फ्यूज है वहाँ तक मेरे को वोल्टेज आना चाहिए, अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो मेरा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आखिर दोस्तों मेरे को प्रॉब्लम मिल गया गाड़ी में, इश्यू में ही प्रॉब्लम है, जो वायरिंग हार्नेस का जो कबलर है इश्यू में लगा रहता वो खुला हुआ है, जिसमें गाड़ी का
टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम इशू का अंदर में ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसीलिए गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था। देखिए जो इशू का कबलर जो है वो खोला हुआ, उसको फिर से हम लगा दे रहा, लगा के फिर से गाड़ी स्टार्ट कर रहा। देखिए मेरा अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो जाने का बाद इसमें लैपटॉप कनेक्ट करेगा करके फॉल कोड क्लियर करके गाड़ी टच लेके फिर से ड्राइवर के हाथ में हम गाड़ी हैंड ओवर। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो की अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों। सबसे पहले और भी अच्छा अच्छा नया वीडियो बनाने के लिए बेल आइकन में क्लिक।